मंगलवार के दिन नगर हाट पिपलिया में भारतीय किसान संघ से जुड़े पदाधिकारियों और किसानों ने रबी फसल के लिए एनपीके और यूरिया खाद को शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर बेचने पर सभी खाद विक्रेताओं के यहां पर विरोध प्रदर्शन किया तथा सहायक कृषि विभाग अधिकारी श्याम सुंदर महाजन के समक्ष शिकायती आवेदन देकर अपना विरोध प्रकट करते हुए नगर हाट पिपलिया के सभी खाद्य व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की गई। जिस प्रकार कृषि विभाग अधिकारी श्याम सुंदर महाजन ने आवश्यक कार्यवाही करने का किसानों को आश्वासन दिया, हाट पिपलिया के खाद्य व्यापारी नियमों को ताक पर रखकर अधिक मुनाफा कमाने के लिए किसानों से खुली लूट कर रहे थे। निर्धारित कीमतों से अधिक दाम में अपनी दुकानों से खाद बेच रहे थे। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। भैया आपका नाम बताएं? कुमजन पटेल, भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष। भैया आज आप लोग खाद के संबंध में व्यापारियों की दुकान पर आए हैं, क्या बात है, क्या मामला है, बताइए। आज हम जो यहाँ पर सारे भारतीय किसान संघ के जो कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं हाट पिपलिया नगर में, सारे जितने भी रसायन के जो बेचने वाले जो हैं व्यापारी, सभी मतलब जो है एनपीके खाद यूरिया को अधिक रेट में बेचते पाए गए, जो जिसका सबूत हमारे पास में उपलब्ध है। 1185 रुपये की एनपीके खाद सीधी 1700 रुपये में बेच रहे हैं और यूरिया को 340 से 50 रुपये में बेच रहे हैं, जबकि उसका भी सरकारी भाव 267 रुपये है। तो उसी के लिए हमें कार्रवाई करवाने के लिए यहाँ आज सारे इकट्ठे हुए हैं। महाजन है, ये ग्राउंड के सत्र व्यापारी कार्यालय बागली में हूँ। आज मुझे सूचना प्राप्त हुई ये किसान संघ के जो कुंभ है, भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष उनके मतलब कि कुछ किसानों को मतलब अभी जो खाद है मेहनती के खाद उर्वरक जो है मतलब जो रेट है उससे ज़्यादा दिया जा रहा है। इस कारण मैं यहाँ पे इनके विक्रेता के यहाँ पे निरीक्षण के लिए आया हूँ और अभी मैंने देखा कि कुछ किसानों के द्वारा पर्ची कच्ची बताई गई मुझे कि यहाँ महंगा खाद दिया मुझे, तो मैं इसका निरीक्षण बना रहा हूँ मैं और किसानों का जो समस्या का आवेदन में प्राप्त कर रहा हूँ बना रहे आवेदन। सर आपने दुकान वाले पे क्या कार्रवाई की? बस मैं निरीक्षण कर रहा हूँ, निरीक्षण कार्य जारी, किसानों को थोड़ा खाद पेट्रोल निरीक्षण कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी इसके द्वारा पर्ची निकलवाई मैंने, मतलब इनके वो मशीन जो आती ना थंब मशीन जो बोलते थंब मशीन उसका अभी इनका आवेदन प्राप्त करके मैं उर्वरक निरीक्षण कर रहा हूँ, निरीक्षण रिपोर्ट बना रहा हूँ मैं अभी और इसको फिर आगे जो फॉरवर्ड करूँगा वरिष्ठ हमारा अधिकारी अग्रिम कार्रवाई करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।